बहतराई के इस स्टेडियम में दो स्टेडियम हैं, आउटडोर स्टेडियम भी यहाँ पर है और इंडोर स्टेडियम भी है। तो सबसे पहले आपको इंडोर स्टेडियम के बारे में बताते हैं। इंडोर स्टेडियम में पहुंच गए हैं हम, काफी विशाल इंडोर स्टेडियम है ये जहां पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस इंडोर स्टेडियम में जो आप सीटिंग देख सकते हैं उसमें अभी चेयर लगने का भी प्रोविजन है, जैसा मेरे को यहाँ के अधिकारियों ने बताया। और जो काफी बड़ा स्टेडियम है ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ एसी वेंट है, तो पूरा जो स्टेडियम है वो एयर कंडीशन होने वाला है। स्टेडियम में ब्लोअर लगे हुए हैं, जो इसका यूनिट है एयर कंडीशन का, वो एक अलग से 3 यूनिट लगा हुआ है, एक अलग से कमरा स्थापित किया गया है जहाँ से यहाँ पे चिलिंग होगा। तो जैसा कि आप मॉल्स वगैरह में देख सकते हैं सिस्टम को, तो सेम सिस्टम बहतराई इंडोर स्टेडियम में डेवलप। इसके अलावा जो यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है इस स्टेडियम की। अलावा जो छत आप देख रहे हैं इंडोर स्टेडियम की, वहाँ पर एक मटेरियल लगाया गया है जिससे ये इको होता है, जो बड़ी जगह पे खाली जगह में चिल्लाने से जो इको होता है, उस इको की समस्या आपकी पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगी, आपकी वॉइस जो इको नहीं होगी। ये जो मैंने चिलिंग रूम बताया था कि वो चिलिंग रूम है, ये यूनिट लगे हुए हैं यहाँ पर, इन यूनिट से ये पाइप्स के माध्यम से यहाँ पे एयर कंडीशन काम करेगा। और ये देख सकते हैं आप पाइप्स को, यहाँ से पाइप्स के माध्यम से सेंट्रल एसी की व्यवस्था की जा रही है, जिसका ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है अभी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो काफी इसमें अरेंजमेंट है। अब यहाँ का आउटडोर स्टेडियम की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो आउटडोर स्टेडियम है वो देखने में ही काफी बड़ा लग रहा है, पूरी तरीके से सुविधाएं वहां पर हैं, बहुत बड़ा स्टेडियम है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये हम पहुंच गए हैं बहतराई के आउटडोर स्टेडियम में। तो ऐसा कुछ नज़ारा है बहतराई के आउटडोर स्टेडियम का। यहाँ पर रनिंग ट्रैक बने हुए हैं, विभिन्न स्पोर्ट्स के लिए है, यहाँ पर सीटिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा आप देख सकते हैं शेड्स है ऊपर, सीटिंग जहाँ पर है वहाँ पर शेड्स है। तो ये आप साइज देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग लगभग आउटडोर गेम्स के लिए स्टेडियम तैयार हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर खिलाड़ियों के मैनेजर वगैरह के रुकने के लिए भी, या फिर उसके पहले स्पोर्ट्स के पहले यहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं। ये बालकनी वगैरह बनी हुई है, वीआईपी गैलरी बनी हुई है, तो काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है बहतराई स्टेडियम में। हाल ही में बहतराई स्टेडियम में ये टर्फ तैयार किया गया है हॉकी प्लेयर्स के लिए, तो जो है काफ़ी अच्छा है। यहाँ का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है ये मैदान, हालांकि ये स्टेडियम नहीं है हॉकी का, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भी बनाया गया है और जगह खाली छोड़ी है, यदि भविष्य में ज़रूरत होगी तो वहाँ पर स्टेडियम का निर्माण किया जा सकेगा। लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस छोड़ा है, वो स्पेस वार्म अप के लिए है, यहाँ पर खिलाड़ी वार्म अप कर सकते हैं अपना। तो काफ़ी हद तक ये स्टेडियम अब तैयार हो चुका है, इंटरनेशनल मापदंडों के अनुरूप ये स्टेडियम है, चाहे इंडोर स्टेडियम की बात करें चाहे आउटडोर स्टेडियम की। और हॉकी का जो टर्फ बना हुआ है वो तो अद्भुत है, यहाँ पर बहुत ही शानदार टर्फ है। इसके अलावा यहाँ पर खिलाड़ियों को रहने के लिए दो हॉस्टल भी बनाए गए हैं, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग, और काफ़ी दूरी पर है ये आपस में। और इसके अलावा जो सेंट्रल एसी है, सेंट्रल एसी व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर 4 यूनिट लगी हुई है, उन यूनिट्स के माध्यम से आपके इंडोर स्टेडियम में कंप्लीट एसी का फ्लो होगा ब्लोअर के माध्यम से। तो काफ़ी अच्छा स्टेडियम है ये। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।